ओ माय गॉड, आफ्टर 1 मंथ तो मेरी एग्जाम्स है और मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। कैसे मैं अच्छा रिजल्ट क्लियर करूंगी? मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, टाइम टेबल बना लेती हूँ। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसके अकॉर्डिंग मैंने 5 डेज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को स्लॉट कर दिया। 5 डेज मैंने इकोनॉमिक्स को दे दिया, 5 डेज मैंने अकाउंट्स को दे दिया, ऐसे मैंने कंटिन्यू कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ टाइम टेबल बनाने से सब कुछ हो जाएगा? मैंने 5 डेज का बनाया, इकोनॉमिक्स मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन क्या हो रहा है, 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो उस केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये 5 डेज का 6 डेज में कैसे हो रहा है। तो मुझे पता चला, यार मैंने जो 1 आवर का जो मैं ब्रेक ले रही थी वो मैंने 2 आवर्स का कर दिया। तो इस केस में मैंने क्या किया, थोड़ा केयरलेसनेस कर दिया, जिससे मेरा टाइम जो था वो ज्यादा यूटिलाइज हो गया। तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एरर्स निकालने पड़े, और उसके बाद जब मैंने अकाउंट्स का किया तो मेरा 5 डेज में कंप्लीट हुआ। तो ये क्या था, ये एक तरीके से मैंने कंट्रोलिंग किया कि मैंने 5 डेज का 6 डेज में क्यों किया, कैसे हुआ, मैंने कहाँ कहाँ पे केयरलेसनेस की, वो मैंने एरर्स निकाले, और फिर मैंने अकाउंट्स के टाइम पे उन एरर्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो उस केस में मेरे अकाउंट्स का क्या हुआ, मैंने 5 डेज में क्लियर कर दिया। तो वही चीज है, वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कंट्रोलिंग, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप। ये क्या है, प्लानिंग हमने देखा, जब मैंने स्टार्टिंग से हमने जब ये पढ़ा तो हमने देखा जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था वो क्या था, प्लानिंग था। क्या प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग होगा? नहीं होगा। हमने प्लानिंग देखा, उसके बाद हमने ये देखा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, फिर कैसे स्टाफ होता है, फिर कैसे डायरेक्ट होता है, ये सब चीजें हमने देखी, और लास्ट में हमने देखा कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के बिना तो कुछ है ही नहीं ना। अगर आप ये 4 फंक्शन कर दोगे और कंट्रोलिंग नहीं करोगे तो क्या आप सक्सेस हो पाओगे बिजनेस के अंदर? नहीं हो पाओगे। तो वही चीज हमें ये देखनी है, राइट? तो अगर हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं बिजनेस में, मैंने ये सोचा कि मैं टारगेट ले रही हूँ कि 1 मंथ में मुझे 30 लैक्स का प्रोडक्शन करना है, राइट? 30 लैक्स का प्रोडक्शन करना है। तो इस केस के अंदर क्या मैं 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद ही देखूंगी कि मैंने प्रोडक्शन कितना किया है, 30 लैक्स का हुआ है मेरा, या कितना हुआ है मेरा, 25 लैक्स से हुआ है, मेरा 35 लैक्स हुआ है? नहीं ना। ये हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ये थोड़े थोड़े ब्रेक में देखना पड़ेगा। हो सके मैं 10 डेज के बाद देखूं, या हो सके मैं every 5 डेज के बाद ये देखूं कि कितना मेरा जो मैंने प्लान किया है वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। अब अगर हमने 30 लैक्स का प्रोडक्शन सोचा तो मैं ये देखूंगी 10 डेज में एटलीस्ट मेरा 10 लैक्स तो होना चाहिए। जब भी मेरा 30 डेज के अंदर क्या होगा, 30 लैक्स होगा। तो आफ्टर 10 डेज मैंने ये ऑब्जर्व किया, नहीं यार मेरा तो 7 लैक्स का ही प्रोडक्शन हुआ है। तो क्यों हुआ है मेरा 7 लैक्स का, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये मैंने देखा कि जो हम लोग क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयज को जो हम बहुत केयरलेसनेस से काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका जो लंच टाइम था वो लोग 2 2 आवर्स लगा रहे हैं लंच में। उन लोगों का टाइमिंग है 11 o'clock, तो वो लोग आराम से आ रहे 12 o'clock तक, राइट? तो ये सब चीजें क्या है, वो लोग बहुत टाइम वेस्ट भी करते हैं बीच बीच में। तो जब हमने ये चीज ऑब्जर्व की तो मुझे पता चला कि ये लोग तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लॉट के अंदर ये सब चीजें रिमूव कर दी। तो उस केस में मेरा आफ्टर 10 डेज क्या हुआ, जब 20 डेज कंप्लीट हुआ तो मैंने देखा मेरा तो 20 लैक्स का प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। तो ये सब चीजें क्या, ये कंट्रोलिंग है कि हमने 30 लैक्स का प्रोडक्शन अगर सोचा है 30 डेज में करने का, तो 10 10 डेज में 10 लैक्स का होना चाहिए। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, वो हमारे अंदर ही क्या है, कोई ना कोई हम बोलेंगे इसके अंदर हमें ही कोई इश्यूज आ रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी केयरलेसनेस है जिसकी वजह से ये टारगेट हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस लगाना पड़ता है। तो हमें इस तरीके से ब्रेक ब्रेक में क्या लगाना पड़ रहा है, कंट्रोलिंग एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, कुछ कंट्रोलिंग पावर्स हमें लगाने पड़ते हैं, जिससे हम हमारे कंट्रोलिंग पावर से क्या कर सकते हैं, हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्लियर है? तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। सो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ टू फाइंड आउट द डेविएशंस। डेविएशन क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 10 लैक्स का मैंने प्रोडक्शन सोचा, बट कितना हुआ, 7 लैक्स का। तो ये डिफरेंस हुआ ना 3 लैक्स का, तो उसे ही डेविएशन बोला जाता है। एंड रिमूव द डेविएशन बाय नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स। हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्यों हो रहा था, जो मैंने बताया कि ब्रेक ज्यादा हो रहा था, यहाँ पे टाइम वेस्ट ज्यादा हो रहा था, तो मुझे ये करेक्ट करना पड़ेगा। एंड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो जो हमने प्लान सोचा है
उसके अकॉर्डिंग मुझे अगर मेरा ऑब्जेक्ट अचीव करना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग मस्ट है। कोई भी बिजनेस विदाउट कंट्रोलिंग नहीं चल सकता, उसे अपना कंट्रोलिंग पावर लगाना पड़ेगा, कंट्रोलिंग फंक्शन उसे यूज करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमें समझ आ गया कि कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, चेक करना। हमें ब्रेक ब्रेक में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा टू अचीव द टारगेट। नाउ अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इसने एक डेफिनेशन दी है, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स। एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स मींस कि जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितनी मैंने मेहनत की है, क्या मैं उतना ही रिजल्ट मुझे अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है या नहीं। जो हमने देखा कि 10 लाख का मेरा टारगेट अचीव क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैंने एफर्ट्स ही नहीं लगाए उतने। मैंने तो 7 लाख जितने ही एफर्ट्स लगाए, तो अगर मैं 10 लाख जितने एफर्ट्स लगा रही हूँ तो क्या मुझे उतना रिजल्ट मिल रहा है। एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्स मीन्स मेरे पास जो रॉ मटेरियल्स है, मेरे पास जो मनी है, मेरे पास जो स्टाफ है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो वो और मेरा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मेरा बैलेंस होना चाहिए, राइट? कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास रिसोर्सेज है, तो हमेशा ये बैलेंस होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग करना ही बैलेंस होता है, कंट्रोलिंग करना, चेक करना, बैलेंस करना, तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि बैलेंस करना है हमें एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। फर्स्ट वन, कंट्रोलिंग इज दी पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव ओरिएंटेड। पर्सन ओरिएंटेड क्या हो जाएगा, जब हम बोलते हैं, देखो कंट्रोलिंग जो होती है वो कौन करता है, कौन ऑब्जर्व करेगा, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, राइट? तो वो लोग भी पर्सन है, ह्यूमन्स है, और किस पे हो रहा है, वर्कर्स पर, एम्प्लॉयज पे। तो इसीलिए क्या बोला गया, ये पर्सन ओरिएंटेड है, ये पूरी एक्टिविटी क्या है, पर्सन ओरिएंटेड, क्योंकि ह्यूमन्स ही करते हैं और ऑब्जर्व भी किस पे किया जाता है, ह्यूमन्स पे। इसीलिए ये पूरी प्रोसेस क्या हुई, ये पूरी प्रोसेस एक पर्सन ओरिएंटेड हुई, राइट? इंटरनल प्रोसेस। कंट्रोलिंग जो है वो हम हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ही कर सकते हैं, जब भी तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर आप बोलोगे कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, टैक्सेशन रेट्स बढ़ा दिए, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो क्या वो मेरे हाथ में, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। लेकिन ये जो प्रोसेस है कंट्रोल का, कि ये 10 लाख सोचा था 7 लाख से हो रहा है, वो तो मेरी गलती की वजह से हो रहा है ना, तो इसे मैं कर सकती हूँ कंट्रोल। तो इसीलिए इसे बोला कि ये इंटरनल प्रोसेस है, जो हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है उसे तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, जो बाहर हो रहा है उसका मुझे अता पता नहीं है, लेकिन जो अंदर हो रहा है वो तो मुझे, मेरे हाथ में, मैं कर सकती हूँ ना। तो इसीलिए इसे बोला गया है इट्स ए इंटरनल प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरे डिमांड्स जो है, ठीक है, मैं अभी लेगिंग्स का डिमांड था मेरा, तो अब क्या हो गया, अब लोग क्या डिमांड कर रहे, पैंट्स का। ये मैंने आपको प्लानिंग में भी ये एग्जाम्पल दिया था कि लेगिंग्स की जगह पैंट्स चलने लग गई, तो पैंट्स का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तो इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ा, मेरी प्लानिंग को चेंज करना पड़ा, मुझे लेगिंग्स छोड़ के पैंट्स क्रिएट करने पड़े। तो जब मैंने पैंट्स क्रिएट किए तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कंट्रोलिंग लगानी पड़ी। पहले जो कंट्रोलिंग थी मेरी लेगिंग्स पे लग रही थी, अब क्या हुआ, प्लानिंग चेंज हुआ तो कंट्रोलिंग भी चेंज हुआ। तो समझ में आ रहा है ये चेंजेस होते हैं। डायनेमिक एक्टिविटी क्यों हुई, क्योंकि कंट्रोलिंग हो सके, मैंने लेगिंग्स पे अलग तरीके से कंट्रोलिंग हो रही मेरी, लेकिन अब मैंने पैंट्स के लिए अलग कंट्रोलिंग कर दी। तो जैसे आपके प्लान्स चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी कंट्रोलिंग भी चेंज होगी, तो इसीलिए इसे डायनेमिक एक्टिविटी बोला गया है। रिलेटेड टू प्लानिंग, ये तो बहुत हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, क्या प्लानिंग होगी तो ही तो कंट्रोलिंग होगी। अगर आपने ये सोचा ही नहीं कि आपको कितने डेज में कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप कंट्रोलिंग लगाओगे किस पे। अगर मैंने ये सोचा ही नहीं मुझे 30 डेज में 30 लाख का प्रोडक्शन करना है पैंट्स का, तो मैं कंट्रोल क्या करूंगी। तो मुझे ये चीज देखनी पड़ेगी, अगर मैंने प्लान किया है तो ही मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। कुछ मैंने टारगेट ही नहीं बनाया कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, तो मैं तो बता नहीं जाऊंगी, कंट्रोलिंग करूंगी किस पे, राइट? तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो ही हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि हमें कंट्रोल भी करना है। एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, एंड एक्टिविटी क्या हो गया, क्योंकि हमने ये देखा स्टार्टिंग प्लानिंग है और एंडिंग क्या है, कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद में वापस क्या आ जाएगा, प्लानिंग आ जाएगा। कंट्रोलिंग के बाद वापस आपका प्लान, आपने ये 1 मंथ का टारगेट अचीव कर लिया 30 लाख प्रोडक्शन का, अब नेक्स्ट मंथ मेरा अलग टारगेट होगा तो मुझे वापस प्लान करना पड़ेगा, तो ये चेन क्या होगी, वापस स्टार्टिंग से होगी। तो इसीलिए क्या हो गया, ये एंड एक्टिविटी हो गई आपकी,
कंट्रोलिंग के बाद वापस आपकी स्टार्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, राइट? कंटिन्यूअस प्रोसेस वो तो होना ही है कि मैंने ये देखा 10 डेज में मेरा 7 लाख का प्रोडक्शन हुआ है, तो अब मैंने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने नेक्स्ट 10 डेज का जो टारगेट था उसे अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग लगा दी। अब मैं ऑब्जर्व तो करूंगी, ऐसे तो नहीं है कि मैंने फर्स्ट 10 डेज का देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या एरर्स निकले, उसके अकॉर्डिंग मैंने नेक्स्ट 10 डेज का प्लान किया, तो अब वो नेक्स्ट 10 डेज का जो मैंने प्लान किया मुझे देखना तो पड़ेगा ना वो अचीव हो रहा है या नहीं। वापस मैं ये देखूंगी तो सही कि 10 लाख प्रोडक्शन हुआ या नहीं, या नहीं देखूंगी, एक बार मैंने प्लान करके कंट्रोल कर लिया उसके बाद नहीं करूंगी। नहीं, ये आपको करते ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ पता ही नहीं कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एरर आ रहा है, कुछ नहीं पता। एम्प्लॉयज अपने हिसाब से काम कर रहे, मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, कुछ पता नहीं हमारा प्रॉफिट कैसे अचीव होगा, कैसे हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते, नहीं। तो इसीलिए कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक हम हमारा टारगेट अचीव नहीं कर लेते। फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी लेवल, जब हम बोलेंगे जूनियर लेवल है, सीनियर लेवल है, मिडिल लेवल है, कोई भी लेवल है, तो वहां कंट्रोलिंग तो होनी है, राइट? टॉप वाले मिडिल का देखेंगे, मिडिल वाला जूनियर का देखेगा, जूनियर वाला एम्प्लॉइज का देखेगा, तो कंट्रोलिंग तो हर प्रोसेस में हर लेवल पे चलेगी। सिर्फ ऐसे है कि एम्प्लॉयज के लेवल पे ही चलेगी, नहीं। हाँ, ये तुम बोल सकते हो एम्प्लॉयज के लेवल पे थोड़ी ज्यादा कंट्रोलिंग होगी, वहां ज्यादा ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लेवल पे नहीं होगा, सारे लेवल्स पे कंट्रोलिंग होगी। डिपार्टमेंट्स के लेवल पे भी होगी, हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा, तो हर लेवल पे होना ही है कंट्रोलिंग। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जब देखेगा मिडिल मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। टॉप वाला मिडिल को कुछ वर्क देगा ना तो वो देखेगा वो कैसे कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कंट्रोलिंग, दैट इज एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, वॉट इज कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करना मतलब इंप्रूव करना, और कंट्रोलिंग है ही ऐसी चीज जिससे हम इंप्रूव करते हैं। जब 10 लाख से 7 लाख का प्रोडक्शन बना तो हमने देखा क्या गलतियां रह गई हमारी, कि क्यों नहीं हम हमारे टारगेट को अचीव कर पाए, और वो गलतियों को सुधारने के लिए मैंने नेक्स्ट 10 डेज में वो मैंने रेक्टिफाई कर लिया। समझ में आई चीज? 11 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, मीन स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि हमने लास्ट 10 डेज में नहीं किया, जो कि हमारी गलती थी। तो .11 पे आपको काम करना है, मिस करना है। आपको सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक मिलेगा फॉर लंच, मीन्स हाफ एन आवर का, नो 2 आवर्स। तो ये क्या हुआ, ये सब इंप्रूव हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है कंट्रोल करना। देन इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कंट्रोलिंग प्रोसेस में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए कि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ 30 डेज का, तो उस केस के अंदर आपकी सैलरी कट जाएगी 2 डेज की। ये क्या है, ये एक फॉर्मल कंट्रोलिंग प्रोसेस है। लेकिन इनफॉर्मल क्या, नहीं ठीक है चलेगा, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम आगे करें, दैट इज इनफॉर्मल। अगर आपने वर्किंग आवर्स में इंटरनेट यूज किया तो आपके उस डे की सैलरी कट जाएगी, दैट इज फॉर्मल। अगर वही इनफॉर्मल हुआ तो उस केस में देख लेंगे कि हाँ लीनियंट है, वो बोल रहे कि यार सर कुछ वर्क के लिए मैंने इंटरनेट ओपन किया है, तो उन्होंने लीनियंट ले लिया, इट्स ओके, दैट इज इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल में हमें पता है फॉर्मल्स में रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट इनफॉर्मल में नहीं होते, तो दैट इज कंट्रोलिंग। इट्स रिलेट टू फ्यूचर, फ्यूचर से तो देखो रिलेट है, हमने 10 डेज का टारगेट देखा कि 10 लैक्स हमने नहीं किया, हमने 7 लैक किया, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट 10 डेज का कर रही हूँ, तो ये फ्यूचर प्रोसेस हो गई ना मेरी, कि पास्ट का देख के मैं मेरा फ्यूचर क्रिएट करूँ, तो दैट इज कंट्रोलिंग। पास्ट तो हो गया, मैं उससे तो सही नहीं कर सकती ना, लेकिन जो फ्यूचर है उसको आने से रोक सकती हूँ, उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो दैट इज रिलेटिंग टू फ्यूचर। ठीक है, तो ये सब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। अब इसके लिए मैंने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, बहुत इजी आपके लिए, दैट इज सेट आईडी पासवर्ड। सेट इज एस फॉर सब्जेक्टिव एक्टिविटी, आईडी इंटरनल प्रोसेस एंड डायनेमिक प्रोसेस, पासवर्ड पी इज फॉर रिलेटेड टू प्लानिंग, इन ईच ई फॉर एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, सी फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस, एफ फॉर फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अवॉइडिंग लीकेज ऑफ एनी कॉन्फिडेंशियल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन और फाइल, इंफॉर्मेशन दैट इज इनफॉर्मल एंड फाइल इज फॉर फ्यूचर। Set ID password in each computer for avoiding leakage of any confidential information file. Clear है? Confidential मतलब जो हमारी secrets होती है, कोई हमारी personal, जो हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है हमारे business के लिए ऐसी कोई file या ऐसी कोई information, secrets information.
उसका लीकेज हो सकता है। ठीक है, नाउ इम्पोर्टेंस, अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब कुछ इंपॉर्टेंस भी होंगे कंट्रोलिंग के, क्यों जरूरी है हमारे लिए कंट्रोलिंग करना। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग आपको करना पड़ेगा। 30 लैक्स का टारगेट है तो उसके लिए मैंने कहा कि हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस लगानी पड़ेगी। कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज, कोई क्या काम कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब आप कंट्रोल करोगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमने एग्जाम्पल दिया, वैसे ही सेल्स का मुझे लेना पड़ेगा। मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, मैंने जो बजट दिया उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। तो ये सब कंट्रोलिंग एक्टिविटीज कब होगी, जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन लगाओगे। तो दैट इज कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज के लिए भी बहुत जरूरी है। मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव, जो मेरा 30 लैक्स का टारगेट था जो मैंने प्लान किया वो अचीव होगा कैसे, अगर मैं अभी 10 डेज के बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस नहीं लगाती, मैं डायरेक्ट 30 डेज के बाद देखती तो क्या होता, पता चलता 20 लैक्स ही बने। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 लैक्स का डिफरेंस आ गया, तो कितने इश्यूज आ जाएंगे मेरे लिए। जहां मेरा टारगेट 30 लैक्स में था, 20 लैक्स से अचीव कर पाई हूँ मैं, तो वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ऐसे इश्यूज नहीं आने चाहिए। तो ये जो आपका प्लानिंग है वो इफेक्टिव जब भी होता है जब आप कंट्रोलिंग लगाते हो। अभी तो मैंने 1 मंथ का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ही 1 ईयर के लिए होगा, तो क्या आप डायरेक्ट 1 ईयर के बाद चेकआउट करोगे, नहीं। तो आपका प्लान इफेक्टिव होगा कैसे, प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस बीच बीच में लगाने पड़े। क्लियर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट को पता है डिमांड क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो बोल दिया कि 30 लैक्स का प्रोडक्शन करना है, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है यहाँ, 40 लैक्स का। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब सेल्स और क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट करेगा, अपने एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करेगा, तो उसे पता है 30 लैक्स की डिमांड हो रही है तो वो 30 लैक्स का ही बोलेगा ना। तो ये कोऑर्डिनेशन कब होगा, जब कंट्रोलिंग होगा। कंट्रोलिंग मैनेजर जो होगा देखेगा कि हाँ 30 लैक्स का ही डिमांड है, तो हम क्यों 40 लैक्स का यहाँ प्रोडक्शन करें, या हम 20 लैक्स का क्यों करें। तो ये क्या होगा, कंट्रोलिंग होना जरूरी है, नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, परचेस डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स परचेस कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सेलिंग कर रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या ऐसे आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे, आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं। जब आपका कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जब आपका कंट्रोलिंग ही नहीं है, तो कैसे हो। इसीलिए कंट्रोलिंग करना जरूरी है कि सेल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए परचेस और प्रोडक्शन। क्लियर। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इवेल्युएट कब होगी, 10 10 लैक्स का मैंने क्यों इवेल्युएट किया, क्यों, क्योंकि मैं कंट्रोलिंग प्रोसेस लगा रही हूँ, जब भी मुझे पता चला 10 का 7 लैक हुआ है, तो इसीलिए इवेल्युएशन करना जरूरी है। रिमूव डेविएशन, डेविएशन मीन्स डिफरेंसेस, 10 लाख 10 लैक का 7 लैक हुआ, ये 3 लैक का डिफरेंस मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 10 डेज में नहीं हो, तो इसीलिए मुझे कंट्रोलिंग लगाना पड़ा। मैंने देखा 10 का 7 कैसे हुआ, वो गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए, तो फिर नेक्स्ट टाइम 10 का 10 बन गया है ना। तो ये डिफरेंसेस हटाने के लिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है। नेसेसरी फॉर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा है। डेलीगेशन क्या होता है, जब मैंने मेरा काम किसी को दिया है करने के लिए, मेरा लोड कम करने के लिए, लेकिन अकाउंटेबल कौन है उसके लिए, मैं अकाउंटेबल हूँ, देखना मुझे ही पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे बैर करनी है, तो उसके लिए अकाउंटेबल मैं हूं, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, उसने तो काम करके दे दिया, अब पूरा ऑब्जर्व तो मैं ही करूंगी उसे, तो इसीलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। ऐसे ही उसने मुझे काम दिया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो इसीलिए मुझे उसकी एक्टिविटी बार बार में देखनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो कुछ भी कर देगा। तो इसीलिए डेलीगेशन, आप किसी को अपना काम दे रहे हो तो उसे बार बार में देखो, ऑब्जर्व करो, वो कहीं गलती तो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। फाइंड आउट एरर्स, जो हमने डेविएशन वाला देखा, कैसे एरर्स निकले, क्यों 7 लाख हुआ, तो हमने एरर्स को फाइंड आउट किया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी तो मैंने सिर्फ आपको क्या दिया, 30 डेज का एग्जाम्पल दिया 1 मंथ का, लेकिन वही चीज आप देखो, अगर आपने 1 ईयर का टारगेट किया है, टू ईयर का किया है, तो उसके लिए तो आपका कंट्रोलिंग लगानी पड़ेगी ना। क्या आप डायरेक्ट 1 ईयर के बाद आपका टारगेट देखोगे, नहीं। तो जैसे हमने 1 डे का लगाया, हमने सॉरी 30 डेज का यहाँ पे टारगेट लिया, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे ही मुझे 365 डेज का मैंने टारगेट अगर लिया है, तो मुझे 1 1 मंथ में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग लगानी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है, विदाउट कंट्रोलिंग तो आप अपने प्लान को कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। क्लियर। हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, डायरेक्शंस देने में हेल्प करता है, और डायरेक्शंस और कंट्रोलिंग एक जैसे ही हो गया। कंट्रोल में भी आप ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसे सही करने का मौका दोगे कि हाँ इसे सही कैसे किया जाए, और डायरेक्टिंग में आप डायरेक्शंस दोगे ऐसे सही करना है,
राइट तो वही चीज है कि डायरेक्शंस आप दे रहे हो तो डायरेक्शंस के बाद कंट्रोलिंग तो जरूरी हुई ना, कि डायरेक्शंस देने के बाद आपने ये देखा कि क्या गलत हो रहा है उसके अंदर, तो इसीलिए डायरेक्टिंग के लिए जरूरी है। डायरेक्टिंग के लिए हम बोलते हैं हाँ डायरेक्शंस आप देते जा रहे हो, लेकिन जब तक आप चेक नहीं करोगे तो कैसे फुलफिल होगा आपका गोल। तो वही चीज है, डायरेक्टिंग के लिए भी हेल्पफुल है। बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, अब ये बैरोमीटर क्या होता है, हम बोलते कोई भी चीज से, हम बोलते एक्चुअली में ये एक तरीके का मेजरमेंट होता है, हमें कोई टेम्परेचर चेक करना पड़ता है तो हम बोलते बैरोमीटर, है ना। तो बैरोमीटर एक तरीके से टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी को चेक करने के लिए इन्होंने नाम दे दिया बैरोमीटर, कि अगर आपको देखना है कितना एफिशिएंटली आपने वर्क किया, 10 लाख का 7 लाख ही किया, तो ये किससे हुआ, कंट्रोलिंग से हुआ, कंट्रोलिंग से आपने ये देखा, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट हो गया। क्या हो गया, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चेक कर पा रहे हो आपने कितने एफिशिएंटली वर्क किया, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ये हमने क्या देखे, कुछ इंपॉर्टेंस देख लिए। नाउ रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप्स है वो हम देखते हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कॉइन पता ही सबको, तो हम बोलते हैं टू साइड्स होते हैं, राइट। तो वो बोल रहा है एक प्लानिंग है तो दूसरा कंट्रोलिंग है, क्यों, क्योंकि तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग अधूरा है और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग अधूरा है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि एक कॉइन के टू साइड्स होते हैं, एक प्लानिंग है तो दूसरा कंट्रोलिंग है। अगर आपने 10 लाख का प्रोडक्शन बोला है करना तो ये आपका प्लान है, लेकिन कंट्रोलिंग कब हुआ, जब आपने 7 लाख ही किया और उसके बाद आपने उसके करेक्टिव मेजर्स निकाल के। तो प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं होगा, और कंट्रोलिंग आपने नहीं किया, सिर्फ प्लानिंग किया है तो वेस्ट है आपका पूरा प्लान, क्लियर। तो ये बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट चार्ज, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, राइट, टैक्सेस पॉलिसीज चेंज हो गई, डिमांड फैक्टर्स चेंज हो गए, तो डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ा, मेरा प्लानिंग चेंज करना पड़ा, ठीक है। लेगिंग्स की जगह मुझे पैंट्स बनाने पड़ गए, तो अब उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, मेरा प्लानिंग चेंज किया, और उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरा कंट्रोलिंग चेंज करना पड़ गया। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन हो गया अगेंस्ट चार्ज, कि हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग को दोनों ने, इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने एक तरीके से प्रोटेक्शन दे दिया, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अगर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्लान करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से रिलेशन है, ये वही बोल रहा है प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते। यहाँ पे भी अगर आउटसाइड में कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंजेस करने हैं तो उस केस में प्लान करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके कंट्रोलिंग करो, क्लियर। तो वही चीज है, प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। अगेन वही वो बोल रहा है कि कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है अगर प्लान नहीं है, तो प्लान पहले करना पड़ेगा फिर कंट्रोलिंग होगा। अगर प्लान ही नहीं किया आपने कि 30 लाख का प्रोडक्शन, तो मैं कंट्रोलिंग चेक क्या करूं, मैं ऐसे ही देखती रहूंगी, नहीं ना, तो वो मुझे करना ही पड़ेगा। प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। फादर कैसे हुआ, प्लानिंग एक तरीके से फादर कैसे हुआ, क्योंकि कंट्रोलिंग बेस्ड है ना, अगर अगर प्लानिंग होगा ही नहीं तो उसका फादर ही हो गया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कंट्रोलिंग करना, चेक करना, जब तक आपने कुछ सोचा नहीं कि हमें इस तरीके से काम करना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फादर भी यही हो गया, प्री कंडीशन भी यही है, क्लियर। तो ये कुछ हमने 4 टाइप्स के यहाँ पे रिलेशंस देखे, कि ये सारे रिलेशन यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के हैं। देन अब लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। क्या स्टेजेस है, कैसे आपको कंट्रोलिंग करनी है। फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या होता है, कि मैंने एक मेरा टारगेट बना लिया, जो मैंने आपको अभी बोला कि 30 लैक्स का मैंने यहाँ पे क्या किया, कि मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए, तो मैंने एक प्रोडक्शन का आपको स्टैंडर्ड बनाया। ऐसे आप सेल का बोल सकते हो, 1 करोड़ की सेल्स होनी चाहिए आपका टारगेट है, तो इसे बोला गया स्टैंडर्ड्स। ये सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। देन गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मींस कि कितना कैसे काम हुआ है, मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, एम्प्लॉयज ने कौन से एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, मैंने 30 लाख का सोचा है तो किसने क्या काम किया वो मैं चेक करूंगी यहाँ पे। तो इंफॉर्मेशन इस तरीके से क्या होगी, मुझे गैदर हो जाएगी, इस तरीके से मैं कलेक्ट करूंगी। मेजरिंग परफॉर्मेंस, अब मैंने एक तरीके से सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, अब मैं क्या करूंगी, मैं उसे देखूंगी कि कैसे काम किसने किया है, कैसा परफॉर्मेंस है, कौन से एम्प्लॉयज ने बहुत ज्यादा अच्छे से किया है, किसने नहीं किया है, ये सब मैं चेकआउट करूंगी। दैट इज चेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ एवरी एम्प्लॉयज। देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट था 30 लैक्स का, और इन्होंने कैसे परफॉर्मेंस किया है, वो मुझे डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा।
10 लैक्स का मैंने सोचा 7 लैक्स ही बना, तो ये कंपैरिजन यहाँ पे होगा। समझ में आई चीज? 10 लाख का सोचा 7 लाख बना, ये कंपेयर यहाँ होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा 10 लाख बनाना है, ठीक है 10 डेज में 10 लैक्स होना चाहिए। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कितना काम हुआ, बस कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, गैदर किया सारे एम्प्लॉइज से, यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेकआउट किया राइट, कि किस तरीके से काम किया है, परफॉर्मेंस देखा गया, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, 10 लाख कहा था 7 लाख ही बनाए राइट। और फिर हमने देखा करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स मतलब कि अब 3 लाख का डिफरेंस जो है वो कैसे करेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले होता है नो चेंज, मतलब 10 लाख का मैंने कहा था, आपने बना दिया कितना 9,90,000, 10,000 का डिफरेंस है। तो कहा नहीं यार कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ कोई मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है, 10 डेज में मैंने अगर 9,90,000 बना दिया, 10,000 का डिफरेंस है चलेगा, कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने। क्लियर? चेंज टू रिमूव डेविएशन, यहाँ पे मुझे बोल रहा है वो कि हाँ आपको थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 लाख का सोचा था 8 लैक्स बने, 2 लाख का डिफरेंस आ गया, थोड़ा डिफरेंस तो है। तो अब ये बोलेगा यार यहाँ तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो चेंजेस मतलब यहाँ कुछ मुझे मेजर्स लेने पड़ेंगे। क्यों? तो मैंने कहा 2 लाख का डिफरेंस है, तो हम देखेंगे क्या मेजर्स लें। तो वही चीज है कि यहाँ पे लंच जो था, दो दो घंटे लोग लंच कर रहे हैं, एम्प्लॉयज दो दो घंटे टाइम लगा रहे हैं, 11 o'clock टाइम आपका है, एक्चुअल पंचुएशन आपको यहाँ पे होना चाहिए, पंचुअल आके आप यहाँ पे अपना काम चालू करो। तो ये सब चीजें क्या होगा, मैं मेजर्स लूंगी। और फिर मैंने देखा नेक्स्ट मंथ में मेरा काम एकदम सही हो रहा है, 10 लैक्स का प्रोडक्शन हो गया। तो ये हो गया कि हमें यहाँ थोड़े बहुत मेजर्स लेने पड़े। लास्ट है चेंज इन एस्टेब्लिश फ्रेश स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड जो आपने यहाँ पे टारगेट था 30 लाख का, ये बोल रहा है वही चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, 10 लाख का आपने सोचा, आपने 10 डेज का 10 लाख सोचा, चलो 30 लाख ही ले लेते हैं अपन, कि 1 मंथ में 30 लाख का प्रोडक्शन आपने सोचा और आपका अचीव हुआ सिर्फ 15 लैक्स। तो ये क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा चेंज आ गया। या 10 लैक्स वाला अगर मैं सोचूं, मैंने कहा 10 लाख का 5 लैक ही बना, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है यार। अगर मैं ये बोलूंगी यार दो दो घंटे आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या 1 घंटा वहां कर रहे हो, 3 घंटे भी आपको अगर दे दिए तो भी आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो जब ऐसा आपको स्टैंडर्ड लगे कि स्टैंडर्ड ही गलत सेट हो गया है, कि इतनी एफिशिएंसी है ही नहीं, कहाँ से होगा, तो उस केस में आपको ये स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ जाएंगे। ये 30 लैक्स का मुझे टारगेट ही 20 लैक्स करना पड़ेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया वही गलत हो गया हमारा। तो इस केस के अंदर आपको ये पूरे चेंज करना पड़ेगा, या आपके स्टैंडर्ड्स फ्रेश बनाने पड़ेंगे। उसे बोला जाता है फ्रेश स्टैंडर्ड्स आपको क्रिएट करने पड़े। फर्स्ट में कुछ चेंज नहीं करना है, जो मैंने टारगेट 30 लैक्स का सोचा उतना बन गया, 10,000 20,000 कम हो गए तो चलेगा। यहाँ पे मैंने कहा यार 1-2 लाख में डिफरेंस आया है, तो उसमें मैंने कहा ठीक है ये 1-2 लाख हमें सही करना पड़ेगा, तो कुछ मेजर्स ले लेते हैं सही करने के। यहाँ मैं देख रही हूँ 10 लाख का डिफरेंस है, 15 लाख का डिफरेंस है, ज्यादा हो गया यार, इसे कैसे सही किया जाएगा। मतलब हमने स्टैंडर्ड ही गलत बनाए, हमें हमारे स्टैंडर्ड ही चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे ये पूरी एक प्रोसेस देख ली कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग चैप्टर था जो कि हमारा फिनिश हो गया है, सारा टॉपिक हो गया इसके अंदर का, बहुत स्मॉल सा शॉर्ट सा चैप्टर था। होपफुली आपको ये समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके ओके बाय।